अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी वेल डूइंग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज टुडे इज ईद, आज ईद है एंड दिस इज माई फर्स्ट ईद ऑफ लाइफ कि मैं घर से बाहर हूँ. वैसे मैं हमेशा बाहर रही हूँ, क्लास 11 से मैं घर से बाहर रहती थी, हॉस्टल में रहती थी, बट मैं इतनी दूर कभी नहीं थी कि मैं ईद बकरीद इतना घर से दूर ना हूँ. मैं एक वीक पहले चली जाती थी घर पे एंड यू नो आई यूज टू सेलिब्रेट एवरी ईद टुगेदर विद माई फैमिली. और आज मैं काफ़ी इमोशनल फील कर रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार घर से इतनी दूर हूँ कि मैं जा ही नहीं सकती हूँ ईद मनाने. सो या आज इंडिया में ईद है, जर्मनी में ईद कल थी. सो आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, और फिर हम लोग ने जाके साथ में लंच और डिनर किया और बर्लिन में इधर उधर एक्सप्लोर किया. वॉट एल्स यू कैन डू, यहाँ पे कोई रिश्तेदार और फैमिली मेम्बर्स तो है नहीं, सो दैट्स वॉट आई डिड. बट टुडे इज ईद इन इंडिया, सो आई डिसाइडेड टू मेक शीर कोरमा टुडे. सो दिस इज द कॉन्टेंट ऑफ टुडेज वीडियो. आज मैं शीर कोरमा बनाऊंगी. मैं सुबह उठते ही यहाँ पे रेवे में गई हूँ शॉपिंग करने, और जो भी मुझे दिखा, जो भी मैं ला सकती थी फॉर शीर कोरमा, जो जिससे भी पॉसिबल होता मैं लेके आई हूँ, एंड आई शो यू द थिंग्स आई बॉट इट. और आज हम मिलके शीर कोरमा बनाएंगे. सो लेट्स गो थ्रू थिंग्स टुगेदर. मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ और क्या क्या इजिली अवेलेबल होता है यहाँ पे. फर्स्ट थिंग इज मिल्क, ऑफकोर्स. तो ये 3.7 मिल्क है और इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ये वाला मिल्क मैं नॉर्मल यूज नहीं करती हूँ चाय के लिए. एज यू नो मैं बहुत चाय पीती हूँ, चाय के लिए इज दिस दूध, दिस मिल्क आई यूज यूजुअली. बट सिंस आई एम मेकिंग शीर कोरमा, तो मैंने नेचुरल दूध लिया है, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है. 3.7 फैट है, ये इसकी पैकेजिंग है, इट्स रियली क्यूट. और ये रेफ्रिजरेटर में था, वैसे होते नहीं है, लोग बाहर ही रखे होते हैं, बट दिस वॉज इन द फ्रिज. नेक्स्ट थिंग इज कंडेंस्ड मिल्क लाई हूँ मैं, जो ये लोग कॉफी वगैरह में यूज करते हैं. आई फेल्ट लाइक हम शीर कोरमा में यूज करेंगे, क्या हो गया. देन आई हैव कोकोनट पाउडर एंड सम ड्राई फ्रूट्स टू यूज इन द शीर कोरमा. नेक्स्ट थिंग इज द मेन थिंग इज सेवैया. सेवैया हमें डलती हैं शीर कोरमा में, पर मेरे पास इंडिया वाली नहीं थी, तो ये एक नूडल्स हैं. आई डोंट नो, पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होगा, ये जर्मन ब्रांड है. ये ऐसे थोड़ा दिख रहा था, थोड़ा सा सिमिलर था, तो मैंने ले लिया, बट आई डोंट नो ये मेरा टेस्ट अच्छा करेगा या मेरा टेस्ट खराब करेगा, बट दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो. एंड द मेन इंग्रेडिएंट इज ज़ाफ़रान. आई बॉट ज़ाफ़रान टुडे, सी, एंड ओ माय गॉड, ओह इट स्मेल्स हेवन. इतना अच्छा स्मेल कर रहा है ना ये, लाइक सीरियसली. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने थोड़ी सी रेसिपी अपनी मम्मी से भी पूछी है, थोड़ी सी मैंने यूट्यूब से देखी है, हम मिक्स करके बनाएंगे और लेट्स सी हाउ इट गोज. मैं अपनी लाइफ की पहली शीर कोरमा ये बनाने जा रही हूँ. ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड. वेयर इज दूध, दूध किधर गया, ये रहा. हम इसको खोलेंगे, इसको बॉइल करने रख देंगे, चीनी डालेंगे इसमें. एक लीटर का दूध का पैकेट है, यू कैन सी द पैकेजिंग, इट्स वेरी क्यूट. कुछ कुछ ही गाइस, मैं अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में भूल गई हूँ कि इसको हमेशा चलाते रहना चाहिए होता है, इनको छोड़ते नहीं है, वरना जल जाता है. मतलब दूध जल जाता है, दूध कैसे जल सकता है यार, दूध ही से लिक्विड, लेकिन जलता है. ओके, तो हम इसको पकाएंगे जब तक ये बॉईल नहीं होता है, फिर हम इसमें अपने और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे. गाइस हमने दूध को बॉईल होने रख दिया है, अब हम इसमें डालेंगे शुगर, शक्कर, जुकर इन जर्मन. मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द शुगर वी आर गोना यूज. Enough. And now let it be boiled. अब हम इसको boil करने देंगे, होने देंगे. Let me show you. Guys, काफी देर से हमारा दूध boil हो रहा है. I think it's almost ready. मतलब काफी वक्त हो गया है, तो काफी time हो गया. अब हम सेवैया लेंगे और हम इनको देसी घी में fry करेंगे.
और मैं आपको देसी घी दिखाती हूँ। ये देसी घी यहाँ पे होता है, ये मैंने डीएम स्टोर से लिया था, थोड़ा गंदा हो रहा है, ठीक होता है, मतलब आई यूज इट यूजली, मुझे अच्छा लगता है देसी घी खाना, मैं घर पे भी खाती थी तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सर्च किया एंड आई फाइंड आउट कि डीएम में एक जर्मन देसी घी है, सो व्हाई नॉट, तो मैंने ये ट्राई किया एंड इट्स रियली नाइस, इट्स काइंड ऑफ सेम, कोई ऐसी डिफरेंस नहीं होती। तो हम इसमें ये हम अपनी सेवैयां और जी हमारा जो कोकोनट पाउडर है इसको हमने फ्राई करना है थोड़ा। अब हमने इसमें ऐड करनी है अपनी देसी घी में फ्राई हुई हुई सेवैयां। बिस्मिल्लाह। सेवैयों का कलर थोड़ा तेज हो गया है बट सब कुछ परफेक्ट कैसे हो सकता था, नहीं हो सकता है ना, इसीलिए नाउ इट्स टाइम फॉर ड्राई फ्रूट्स। सो ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास कैश्यू है और जी किशमिश है, मेरे पास वॉलनट्स भी था, अखरोट भी था, पर जी पता नहीं कहाँ है अभी, मैं ढूंढने के लिए मैंने हिम्मत नहीं। सो आई विल कट ऑल दीज और मैं आपको दिखाऊँ। अब हम ड्राई फ्रूट्स अपने शीकोरमा में डाल देंगे। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, आपको मैंने पहले भी दिखाया है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह बहुत ही सुंदर बना है। और गेस व्हाट, मैंने अभी तक इसमें जाफरान भी नहीं डाला है। सो विल टेक द ज़ाफ़रान। मम्मी ने कहा था कि आपको क्या करना है, ज़ाफ़रान के थोड़े से पेटल्स लेके पानी में थोड़ा भिगो देना है, इट स्मेल्स रियली नाइस। तो हमने ये हो गया हमारा ज़ाफ़रान का पानी, हमने इसे ऐड करना है एंड में।
It's very nice.